लगती है, पसंद आ गया। जय श्री राम जोशी जी ने के सिक्के बांटे जाएंगे। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, बे टाइम उठ के नहाकर हम लोग हो चुके हैं तैयार। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही था, रात हम लोग एल्बम में देने के लिए पिक्स छाड़ रहे थे लैपटॉप में से, तो काफी टाइम लग गया हमें, तो वो काम करते करते लेट हो गए थे। 1:30-2 बजे हम लोग सोए हैं ना, 2:30 बजे ऐसे हम लोग सोए हैं, तो सुबह उठने में लेट होना जायज़ सी बात है। तो अभी नहाकर तैयार श्यार हो चुके हैं, और आज आरती ने जाना है अपने ससुराल। एक दिन के लिए वो आई थी घर पे, तो जोशी जी का ऑफ है, इसी बहाने छोटी सी एक आउटिंग हो जाएगी हम सबकी पूरी फैमिली की। घूम के आते हैं, कुछ खा भी के आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है बाहर, क्या मिलता है बाहर। तो इसलिए तैयार व्यार हो गए हैं सुबह सुबह, मम्मा और आरती भी बाहर भी तैयार श्यार हो रहे हैं। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारास, लगा बेरे आयू त्यार दरबारा, आस लगा बेरे आयू त्यार दरबारा। काली का चामुंडा माँ खोल दे किवाड़ा, आस लगा बेरे आयू त्यार दरबारा, आस लगा बेरे आयू त्यार दरबारा। बुआ भतीजा का खाना चल रहा है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे चल रहे हैं शॉर्ट्स, यहाँ पे चल रहा है ब्रिज भट्ट एंड फैमिली का ब्लॉग। आरती सारे ब्लॉग देखती है किसी के ना, यहाँ के भी वहाँ के भी, मतलब हाँ देखती है, यहाँ के शाम को देखता हूँ, वहाँ की सुबह देखता हूँ। कल के ब्लॉग में आपने देखा था, रात दाल बनाई थी हमने, तो थोड़ी सी दाल बची हुई है और इसके साथ ही अरबी की सब्जी बनाई गई है। खाना कैसा बना जोशी जी? बहुत बढ़िया। मैं कैसी लग रही हूँ? दिल से तारीफ करना जोशी जी, देखो इतनी सी तारीफ बस, बहुत अच्छे। मुझे पता नहीं क्यों आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, लग रही तो बोल देना चाहिए, आप लोग भी बताना कमेंट्स करके। आज मैंने ये वाली ज्वेलरी भी पहनी है, कड़ा भी पहना है, बाकी फुल लुक मैं आपको निकलते समय दिखा दूंगी। आज व्हाइट वाला पर्स लेके जाऊंगी, न्यू वाला। आरती की विदाई से पहले ईशान की विदाई की जाएगी, नहीं तो ये हमारी विदाई नहीं होने देगा। ईशान कह रहा है कि आरती बुआ को भगा दो और पूजा बुआ को भगा के ले आओ। मेरे से डर लगती है, पूजी बुआ से नहीं लगती डर, वो मारती नहीं है। पूजी बुआ पूरी दादी जैसी है ना, कुछ भी कर रहे, पूजी बुआ कुछ नहीं कहती। छोटी बुआ मारती है, प्यार नहीं करती। अच्छा प्यार नहीं करती, झूठे कहेंगे। अरे शांति, तुम मैचिंग होगी बुआ के साथ, यहाँ टॉफी है मैं खाऊंगी। शान की तो मैचिंग होगी बुआ के साथ आज। चलो बाय। पैरों में न्यू न्यू चप्पल, मेरा न्यू न्यू पर्स, मेरी न्यू न्यू ज्वेलरी, आज ये सब कुछ मैं फर्स्ट टाइम वेयर कर रही हूँ। तो कैसी लग रही है मेरी आज की फुल लुक बताइएगा जरा कमेंट्स करके। आरती को विदा करके ही हम लोग फिर आएंगे, तो भी टिका पिठा किया जा रहा है, मम्मी इमोशनल। सही है, अरे वाह मम्मी, आप तो छाड़ गई बस। मेरा तो रुमाल भी मैचिंग का है। जिस दिन आरती की क्या वैक्सीन करवाने गए थे उस दिन खरीदा था, मेरे को जुकाम लग गया था वहाँ बैठे बैठे, तब खरीदा था इमरजेंसी में। अरे यार रास्ते में काम आ गया था, तभी तो हमको जल्दी भेज दे, गाड़ी गर्म हो रही होगी ना, ठंडी करके रखेंगे गाड़ी हमारे जाने तक। दहलीज पूजी जा रही है, आओ मम्मा। गाड़ी के अंदर मजे से बैठे हुए हैं, जब हमारी कोका कोला की बोतल खाली हो जाती है ना, तो हम ऐसे यूज कर लेते हैं उसको, ऐसे यूज होती है, गरम तो भरोगे नहीं कोका कोला इसमें। अभी पिठा लगाया और ये बह भी गया पूरा। लो भैया, आरती ने सबकी पूरी गली में बैल बजा दी, सब निकल निकल के बाहर आ रहे हैं आरती को छोड़ने के लिए। ओ भाई साहब, आप मेरे साथ मैचिंग करके कहाँ घूम रही हो? ओ आप लोग तो चलो, आप तो मिल के आ जा, हम आप ही खाएंगे। क्या भी वापस भी आ सकती है, जैसे जैसे गली वाले बोल रहे हैं अब कब आओगे। गली वाले परेशान हो गए, इसको दे दे।
कह रही मेरा कुछ नहीं पता, मैं शाम को फिर आ जाऊंगी। अभी ले जा 100 रुपए पर शाम को। सब कह रहे हैं हम आज विदा कर रहे हैं, दूसरे दिन आरती आ जा रही है। लोग कम कर देंगे, 100 की जगह 10-10 रुपए देंगे फिर। बड़ी मेहनत से बनाए हुए दिल्ली के पहाड़ गर्मी से बचने के लिए यहाँ आ सकते हैं। बाय बाय बाय। गाड़ी के अंदर ही चुम्मा चाटी हो रही है, ध्यान से जाना। लक्ष्मी नगर में आरती को उतारा जा रहा है, बाहर अब गर्मी लगेगी एकदम एसी से बाहर। भैया 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 हो जा रही है, आरती पौड़ियां चढ़ रही है, मम्मी रो रही है, विश्वास आरती को छोड़ दिया है लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन पे। अभी हम यहाँ से वापस हो गए हैं। मैं तो बोल रही थी कुछ खा पी लेते हैं सब लोग एक साथ में, लेकिन वही घर से खाना खा कर आए हैं तो फिर हाँ ऐसे कर लेते हैं। आरती बना करने लगी, अरे नहीं गर्मी गर्मी हो रही है, मन नहीं कर रहा अभी कुछ खाने का, इतनी गर्मी में कौन खाता है। चलो ठीक है, तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं। ये आइडिया अच्छा, आइसक्रीम खा लेते हैं। मम्मी को लग रहा है निश्वास, कहाँ गई मेरी मम्मी? अच्छा नहीं लग रहा निश्वास, अच्छा खाली रो रही थी इतना, खाली खाली रो रही थी मम्मी। अभी भी रो रही है देखो। ये माँ की ममता ही ऐसी होती है बेटी, चाहे शादी के बाद ये चीजें होती होती है। आरती अच्छा तो कर रही है, हाँ लोकल होने का इतना फायदा होता है। मैं तो कल भी बोल रही थी बेटियों का तो आना जाना लगा रहना चाहिए घर में, अच्छा लगता है, घर में रौनक सी हो जाती है। लेकिन फिर जब जाती है ना मम्मी रोती है ना, फिर बुरा सा लगता है मेरे को। हंस हंस के विदा किया करो मम्मी, तभी अगली बार फिर जल्दी जल्दी आएगी ना। फोन पे तो बात होती रहती है, वीडियो कॉल पे हो जाती है, ऑडियो कॉल पे हो जाती है। अभी तो इतनी सुविधा है, पहले तो चिट्ठियां लिखते थे, महीनों में पहुंचती थी, महीनों में जवाब आता था। अब तो कितना कुछ हो जाता है मम्मियों के टाइम पे। मम्मी का टाइम ऐसा ही होगा है ना मम्मी? आप अपनी मम्मी से मिलने कब जाते थे शादी के बाद? कितने कितने टाइम बाद जाते होंगे? गाँव से जब तक तब चले जाते थे, एक महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने चले जाते थे। मेरी जो दादी सासू माँ वो इतनी प्यारी थी ना, क्योंकि जंगल का रास्ता होता था और ऑटो रिक्शा कुछ वहाँ पे होता नहीं, पैदल जाना होता था, तो मम्मी के पाँव पे वो तेल लगा के भेजती थी है ना। तो मैं आप ही की तो बात कर रही हूँ, दादी सासू माँ मेरी सासू माँ के पाँव में तेल वगैरह लगा के भेजती थी। चलना है तो आराम से चलना, कोई दिक्कत ना हो। मदर डेयरी बंद है, खुली तो है। सुबह उठ के जैसे लड़की को विदा करते उसे करती थी, आपको खीर बनाते थे सुबह सुबह, पूरी बनाती थी और हाथ पैरों में तेल लगाती थी और छोड़ने आती थी आधी रास्ते तलब, जैसे मम्मी आती थी। अच्छा हाँ, मेरी दादी सासू माँ बहुत प्यारे थे यार, वो जल्दी चले गए। चलो कोई बात नहीं, जहाँ भी हम खुश रहे इधर खड़ी कर दो ना, अपना आशीर्वाद हमें देते रहे। मदर डैडी के बिल्कुल सामने इस समय हम, मदर डैडी मुझे सामने मिल गया इसके, सिग्नल भी है। जोशी जी चले गए अभी हमारे लिए आइसक्रीम लेने के लिए। आइसक्रीम आ रही है दुकान ले। मम्मी पूछ रहे हैं आरती को बैठ गई है मेट्रो में, नहीं बैठ गई है, घर ही जा रहे हैं बाबू, कहाँ जाए इतनी धूप में। कितना निश्वास लगता है ना, कैसा रिश्ता बना रखा है भगवान ने भी। शादी करनी पड़ती है बाबू, बाहर निकाल नहीं अभी नहीं रहा। चलो ठीक है बाबू, ठीक है मेट्रो में बैठ जाएगा, अंदर जाके बात करियो। हाँ ठीक है बेटा, पानी पी लियो। ठीक है बाबू, ठीक है बाय। मेट्रो ये
जोशी जी ले आए आइसक्रीम। बोल रहे कौन सी लाऊं कौन सी लाऊं, जो आपको पसंद हो ले आना, हम तो खा ही लेंगे। कौन आए भाई? चोकोनाडो लाए हैं जोशी जी, चोकोनाडो। सही है टेस्ट? आइसक्रीम तो मम्मी की फेवरेट है। कल रात आइसक्रीम आरती ने खिलाई थी, आज जोशी जी ने खिला दी। सही है जोशी जी? बढ़िया बढ़िया। पहुंच गए अभी हम, जोशी जी कार पार्क कर रहे हैं यहाँ पे, और मम्मा चले गए हैं घर की तरफ लॉक खोलने के लिए। आरती को विदा करके आ गए, जब हम जा रहे थे तब भी दीदी मिल गई, अब हम आए हैं अब भी दीदी मिल गई। आरती ने बैल बजाई थी तब दीदी बाहर निकले थे, तब से बाहर ही हैं। हम घर वापस भी आ गए, अभी अभी वापस आए हैं, तो साथ में ही अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। आर हमारी मैचिंग हो रही है भाई दोनों की। घर वापस आ चुके हैं अभी हम, जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा ही था कि कल ये आम पन्ना मैंने बनाया था, बना के रख दिया फ्रिज में, लेकिन पिया किसी ने भी नहीं। अभी धूप से घर वापस आए हैं तो अभी पी लेते हैं। अभी आते आते रास्ते में आरती का फ़ोन आया, वो मुझे तब याद आया, मम्मी के पास फ़ोन आया कि भाभी ने आम पन्ना बनाया था, मैं पीना भूल गई। टेस्ट किया था हल्का सा उसने कल शाम को, हमें से तो किसी ने पिया नहीं, खाली उसने भी टेस्ट ही किया था, पर एक वो जैसे होता ना कि पेट भर के पीने वाली बात, वो नहीं हुई। मैंने कोई बात नहीं, दोबारा आएगी तो फिर बना दूंगी, ये तो बनता ही रहेगा। अब फिलहाल हम तीनों पी लेते हैं, कहते हैं इससे गर्मी वगैरह लगती नहीं है करके। मम्मा को पूछ रहे हैं कि कहाँ पहुँच गई है, तो बता रही है कि करोल बाग पहुँच चुकी है। अभी टाइम लगेगा उसको भी पहुँचने में, दूर है उसका आया नगर। क्या हाल समाचार है जोशी जी? बढ़िया। सही बना है? कैसे मम्मी, ओके रिपोर्ट? सही है। आम का जलजीरा। अच्छा। आम का जलजीरा, आम पन्ना। मैं कितनी बार आम रस बोल देती हूँ। अच्छा, आम रस दूसरा होता है, मीठा होता है। वो पके हुए आम का बनता है ना, वो भी बनाएंगे कभी। मम्मा टीवी देख रहे हैं, अभी जोशी जी बाहर बैठे अपना फोन चला रहे हैं। बैठे बैठे मैंने करेला काट लिया है जो कि हम बनाएंगे रात को। अभी छत में जा रही हूँ मैं, धूप में सुखा देते हैं हल्का सा। साथ में चुन्नी भी लेकर जा रही हूँ, मिट्टी विट्टी ऊपर ना आए करके ऊपर से ढक के रख देंगे। ओ भैया जय हो सूर्यदेव भगवान। करेले को बढ़िया तरीके से काट कर मैंने धो लिया था, और उसके बाद इसके ऊपर नमक छिड़काव कर दिया था ताकि कड़वा पानी निकल जाए, और चुन्नी की सिंगल लेयर में अभी रखा है ताकि सूख भी जाए, कड़वा पानी भी निकल जाए। शाम को लेके चलेंगे इनको नीचे। कहाँ से चलाएं एसी, कहाँ से चलाएं कूलर, हमारी तो लाइट ने ही परेशान करके रख दिया। दो मिनट के लिए आई, दो मिनट के लिए कूलर चला, उसके बाद फिर लाइट गायब हो गई है। तो अभी मम्मा टीवी देख रहे हैं, जोशी जी भी बाहर बैठे हुए फ़ोन चला रहे हैं, मैं करने लगी हूँ आपके कमेंट्स की रिप्लाई, साथ में करने लगी हूँ ब्लॉग एडिट। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं, अभी ब्लॉग एडिट कर लिया है मैंने, आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी कर लिए हैं। अभी जब मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिले कि दीदी इतनी गर्मी में आप बाल खुले कैसे छोड़ लेते हो, आप कितने लंबे बाल हैं, इतने हैवी बाल हैं। कुछ तो मैंने कटिंग करवा दी है तो बाल थोड़े से पहले से हल्के हो गए हैं, और मैं बांध के ही रखती हूँ बाल। जब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ ना, तब कई बार मैं थोड़ी सी हवाबाजी करने के लिए बाल खुले कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं खुद जूड़ा बना के रखती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लगती है। और क्लचर लगा रखा है इस समय भी मैंने, क्योंकि पीठ पे यहाँ बाल टच होते हैं ना जब, तो इतनी गर्मी लगती है एकदम से, फिर वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो मम्मा टीवी देखते देखते बाहर सो गए थे, जोशी जी फ़ोन चलाते चलाते अंदर रूम में सो गए थे, मैं मम्मी के साथ बाहर ही थी। सोते हैं, फ़ोन का काम काज मैंने निपटा लिया है, गर्मा गर्म चाय तैयार की जा रही है जोशी जी के लिए, मम्मा के लिए। मुझसे चाय नहीं पी जाएगी क्योंकि ज़्यादा जब गर्मी होने शुरू हो जाती है ना, तो मैं चाय त्याग देती हूँ, थोड़ी थोड़ी चाय पीती हूँ, वो भी मैं सर्दी में, उसमें भी कुछ ना कुछ मेरे साथ में चाहिए, बिस्किट नमकीन वगैरह, तो मैं चाय पी पाती हूँ। अदरवाइज चाय मुझे कुछ खास ऐसे पसंद नहीं है, और ऐसा कहूँ कि सेहत के लिए कुछ खास अच्छी होती भी नहीं है। जिनको अच्छी लगती है, कईयों को तो आदत होती है गर्मी में चाय, सर्दी हो रह नहीं सकते चाय के बिना, जैसे मेरी सासू माँ जी वो पीती हैं पक्का ही, वो चाय लवर है तगड़े वाली, मेरी बड़ी भाभी भी चाय लवर है तगड़े वाली। तो यहाँ पे चाय ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, डालते हैं इसको कप में।
गोरी जरा बांध ले काला डोरा, नजर ना लगे जमाने की। कर ली नींद पूरी? हो गई गुड इवनिंग? कभी मम्मी मेरे लिए चाय बना के लाती हैं, कभी मैं मम्मी के लिए चाय बना के लेके आती हूँ। मम्मी मैंने टेस्टी बिस्किट बनाए हैं ना, है ना? और क्या। जब तक माँ बेटे दोनों मिलके चाय पी रहे हैं, तब तक मैं छत से करेले ले आती हूँ जो रख के आई थी सुखाने के लिए। हाँ, अब छाया छाया सी हो गई, अब सही हो रहा है, पर हवा फिर भी गर्म ही चल रही है। गर्म हवा के थपेड़े लग रहे हैं, थपेड़े। चलिए जी, सरसों के तेल में जीरा डाल दिया गया है, जीरा हो चुका है ब्राउन। इसमें अभी हम ऐड कर देंगे टिन टिन, थोड़ा डर भी लगता है मेरे को, मैं दूर हट के डालती हूँ। करेलों को पकने में भी टाइम लगेगा, इसलिए आज इसको धीरे धीरे हम पकने देंगे। यहाँ पर मैंने प्याज छील के अच्छे तरीके से धो के इसके सेंटर की गांठें निकाल के बीच से दो टुकड़े बना लिए हैं। लंबा लंबा प्याज काट लेते हैं हम तब तक। जब तक हमारे यहाँ पे अभी करेले पक चुके हैं, इसमें ऐड करेंगे इतने सारे प्याज। जितनी सब्जी उतने प्याज चाहिए होते हैं मेरे को, कभी मज़ा आता है भुजिया में ना। टन टन, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज बढ़िया तरीके से पक चुका है, करेले भी पक चुके हैं हमारे। मोटर चला दी, पौधों में पानी डाला जा रहा है। जय श्री राम जोशी जी। केसरी रंग का हमारा झंडा थोड़ा सा मैला हो गया था, धोकर आज दोबारा लगा दिया जोशी जी ने। जय श्री राम। और यहाँ पर जो मैं लेकर आई थी जड़, मम्मा ने भेजी थी पटियाला से, देखो मम्मा लग चुकी है जड़। सासू माँ की मेहनत रंग लाई एक बार फिर से छत पे, हरियाली 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 आई। हाय बच्चा बाड़ी, कैसे हो? आगे आगे हनुमत पीछे भैरो बाबा, आगे आगे हनुमत पीछे भैरो बाबा, बीच में भवानी आई रे माँ काल का, बीच में भवानी आई रे माँ काल का, अंग मैया के चोला सोहे, अंग मैया के चोला सोहे, चुनरी पे बहार आई रे माँ काल का, चुनरी पे बहार आई रे माँ काल का, आगे आगे हनुमत पीछे भैरो बाबा, बीच में भवानी आई रे माँ काल का। जो जला लिया मैंने पूजा पाठ करने के बाद, यहाँ पर गर्मा गर्म दो फुलके अपने लिए तैयार करके ले आई हूँ। सब्जी हमारी पहले तैयार हो चुकी थी, भुजिया करेले की, और मैं टाइम पे खाना खाने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मा और जोशी जी तो बोल रहे कि हम बाद में खाएंगे। नमस्कार मम्मा जी। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा बेटा, अभी पापा आए और रोटी बनाई इनको। हेलो, नमस्ते मन्नू, कैसे मैं अभी था? मैं ठीक हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ मन्नू। अभी मम्मा से फ़ोन पे बात हुई तो मम्मा ने मुझे याद कराया कि आज मुसी के बर्थडे को एक महीना पूरा हो गया है। अभी वहाँ पे पापा भी आ चुके हैं घर में, और मन्नू भी आ गया है, बड़ी भाभी भी आ गई हैं, तो वो लोग वहाँ पे वन मंथ का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं मुसी का। तो आप सब लोगों को खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ देना। मैं मन्नू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ सच में। लेकिन यहाँ पे मेरे पास इतने छोले बच्चे हैं, पूरी गली मेरी बच्चों से भरी पड़ी है। अब इनके साथ खेलते खेलते मुझे पसीना इतना आ चुका है, पूरी भीग चुकी हूँ मैं। सुनाओ गाना। डुकू डांस करो।
वैसे मुझे जेन्युइनली बताऊं तो मुझे याद नहीं था, मम्मा ने ही मुझे अभी याद दिलाया है। तो बच्चों ने मुसी मुसी को बर्थडे विश की है, तो बच्चों का मुंह मीठा वो कह रहा मोटी मोटी अब मेरा नहीं है। तो बच्चों को यहाँ पे सोने के सिक्के बांटे जाएंगे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, अरे चॉकलेट, हैप्पी बर्थडे, ये छोटा सा सेलिब्रेशन। जब मैं वो करके आई तो पूरी पसीने में नहा चुकी थी। अभी घर वापस आई हूँ तो जोशी जी नहाने घुसे हुए थे, अभी मैंने भी नहा लिया है। और आज का दिन कुछ इस तरीके से रहा। ईशान की बुआ चली गई है अपने ससुराल। आप बुआ को मिस कर रहे हो? आती बुआ को मिस कर रहे हो? बुलाओ आती बुआ को, डांटेगी फिर। याद कर रहे हो? याद आती बुआ को डांटेगी फिर। बुलाऊं? फोन करूं? बोलूं कि ईशान मिस कर रहा है? बुलाऊं? ईशान सदमे में क्यों चला गया? स्माइल के साथ बोलना, बुलाओ। अच्छा, आती बुआ को बुलाऊं कि पूजी बुआ को बुलाऊं? पूजी बुआ को। आरती डांटती है ना इसको। पूजी बुआ को बुलाऊं? अच्छा ठीक है। तो अब आरती चली गई है, कल घर में थी, काफी रौनक लगी हुई थी। अभी आधा काम रहता है यार, पिक्स भी सिलेक्ट करनी है, तो अब कल देखेंगे। भी थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बस अब सोने की तैयारी है। आज हमारी मुसी मुसी को 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। फूफा जी बधाई दे दो। ये बहुत बहुत बधाई हो, और उसका भी कल केक कटेगा मेरे हिसाब से। फिर तो केक तो आज ही कट गया, कट गया होगा अभी तक तो। जानू बोल दो मुछी मुछी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। केक खाना है आपको? पटियाला जाना पड़ेगा अभी तो, फिर तो कोई बात नहीं, हम यहाँ भी केक काटेंगे जल्दी। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताएगा कमेंट्स करके। अभी जब इनका मन करेगा तो इनके लिए फिर रोटी वोटी बना देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, तेज बोल, सब्सक्राइब नहीं किया तो बोल, नहीं किया तो बोल, नहीं किया तो बोल दो ना, नहीं किया तो कर दो, लव यू, लव यू बोल दो, लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू फुल, लव यू फुल फुल। अच्छा बोल दो, या ये आहा आहा।